पराठे। चाय का वक्त है और मम्मी पिग सबको सरप्राइज देने वाली हैं। हस्ता तू तो गया बेटे। आज है परामथे दिन, परामथे बड़े दिनों बाद। खा खा कर और पी पी कर गेंडा बन गया है तू। मुझे परामथे बहुत पसंद है। मैं पलटने में बहुत ही माहिर हूँ। पिछली बार परामथे जमीन पर गिराने से आप जरा चिड़चिड़े हो गए। वो तो उस तवे की प्रॉब्लम थी। क्या गुंडा बनेगा रे तू? मम्मी क्या हम परामथे बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं। क्या बोला तूने? आटा डालूंगी, अब मैं अंडा डालूंगी। सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अब दूध, फिर सबको हिलाऊंगी। मम्मी क्या मैं कर सकती हूँ? नहीं। अच्छा। आग लगा दी। मम्मी पिग परांठे को पलटेंगी। वाह! उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकती हो मम्मी पिग। तेज मत चल, ज्यादा ज्ञान मत दे चपली पिग। मम्मी पिग ने जॉर्ज के ऊपर थोड़ा फेंक दिया। अब सबकी नजर मुझ पर हो। जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो तेरी मुंह खोलने? एक अच्छा पराठा बनाने का राज उसे हवा में ऊपर उछालना होता है। एक और तीन। बुद्धू डैडी। ओह, मैंने कुछ ज्यादा ही ऊपर उछाल दिया। चलो ऊपर चले बच्चों। मैं हूँ पेपा पिग। ये मेरा छोटा भाई जॉर्ज, मम्मी पिग, डैडी पिग। फैंसी ड्रेस पार्टी। पेपा और जॉर्ज के यहाँ पेपा और जॉर्ज है। पेपा ने परियों की राजकुमारी की ड्रेस पहनी है। सूजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है। हेलो सूजी। हेलो देयर। मुझे खुशी है कि नर्स आ गई। क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं तो फैंसी ड्रेस वाली नर्स हूँ। बहुत अच्छे। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अंदर आ जाओ। कैसे हो दोस्तों? हेलो सूजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। ओके। रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो? मैं सब प्रश्ना के शुम। डाइनोसॉर। दीवार पर टंगे हुए आईने। हेलो पेपा, तुम मेंढक हो। ये क्या है? ये दांत है। दांत। पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा तुम क्या कर रही हो? अबे अपने काम से काम रखना।
Everybody ready? Ready! Let's go! Peppa और जॉर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के घर खेल रहे हैं। Later, suckers. One hour later. Grandpa, पकड़ो। हो पकड़ो। ओ ये क्या है? एक डायनासोर। बाड़ा की यार छोटा सा। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं? अबे अपने काम से काम रखना। मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर बीज बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा। फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। ये छोटा बीज बड़ा होकर एक जोगिंदर बन जाएगा। इस तरह जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़। इस तरह क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी? ना, ना। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। अब मैं इसमें पानी डालूं? मैं पानी डालूंगी। अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। तो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पापा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। पेपा पिग इज फूड व्लॉगर कंफर्म्ड। और ये तैयार हो रही है हमारी स्ट्रॉबेरी वाली चाय। अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी? नहीं। आओ चले पेपा। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को खा गया। ग्रैंडपा हम आ गए। ग्रैंडपा ग्रैंडपा। अब जॉर्ज की बारी है लगाने की। तुम क्या उगाना चाहते हो? आपको बता दें दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए।